ढेर सारा प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं हमेशा याद रखूंगी। तहे दिल से, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट दैट यू मेड एंड सच ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। हम तो फीके पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, आप कितना अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पे आज परफॉर्म किया, सबको मैं डीपली थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का गीत, आप लोगों की कला सुन के, देख के, बहुत ही मेरा दिल भर गया। मतलब क्या कहते हैं, माय हार्ट इज फुल ऑफ लव एंड इट फील, यू गाइस हैव रियली फिल माय हार्ट विद सो मच ऑफ लव एंड वार्मथ, थैंक यू फॉर दैट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन। यस मैम, पहले तो मैं ये करेक्शन करना चाहूंगी, मैं कोई राज घराने से नहीं हूँ। Okay. मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। okay. लेकिन मम्मी, जब आप कह रहे थे, मैं मम्मी का चेहरा देख रही थी, मम्मी कह रही थी मैडम फिर तो विकिपीडिया और उनको भी शू करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वही लिखा हुआ है, आगे चीजें गलत होती हैं। ओके, बट हाँ, पॉलिटिकल फैमिली है बट राजघराना नहीं है। तो जो मैंने बचपन से देखा है वो काफ़ी एक आइडियलिज्म, और क्योंकि जब पॉलिटिक्स को एक आइडियल, एक सेवा के रूप में मैंने देखा हुआ है, जो मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे ग्रैंड अंकल, माय फादर, एवरीबडी इन माय फैमिली हैज़ सीन पॉलिटिक्स एज अ सेवा फॉर द पीपल, फॉर द नेशन। ओके, थैंक यू मैम, आई स्टैंड करेक्टेड ओवर हियर। ने अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा मौका मिला कि लेजेंडरी दिलीप साहब, राजकुमार साहब, अनुपम खेर जी, जैकी श्रॉफ जी, दीप्ति नवल जी, बहुत सारे अच्छे अच्छे उम्दा कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरी शुरुआत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ से हुई, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और बट लाइफ हैज बीन वेरी काइंड, लाइफ हैज बीन वेरी काइंड मैम। हाउ, यू आर वेरी राइट, नोबडी कैन एक्चुअली टच देम इन, दे आर लेजेंड्स, दे आर फॉरएवर, फॉरएवर दे विल ऑलवेज लिव इन आवर हार्ट, ऑलवेज लिव इन आवर हार्ट। मैम अभी आपका एक गाना आया था इलू इलू। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। देखिए, मैंने भरतनाट्यम सीखी हुई है, मणिपुरी सीखी हुई है, थोड़ी बहुत कथक सीखी हुई है, क्योंकि मेरी माँ कथक डांसर है और ये यहाँ पे कला क्षेत्र में भी पढ़ी हुई है। वो मम्मी जी, एक बार फिर प्रणाम आपको। तो भरतनाट्यम और कथक दोनों जानती थी, करती थी, और उसी का कुछ मुझे भी आया है, और मेरी दादी भी करती थी। तो क्लासिकल डांस और ये सब, तो खाना बनाना तो मेरा शौक ही रहा, लेकिन अभी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। था एक वक्त था जब मैं खुद खाना बनाती थी और सबको बुलाती थी और खिलाती थी, अभी नहीं। ओके मैम, वाओ वाओ, सो होम डू वी अप्रोच नाउ, अनिल साहब को अप्रोच करें या बिंदु विनोद चोपड़ा जी? विनोद चोपड़ा इज द राइट पर्सन, सो आई थिंक संस्कृति अगले साल उनको बुलाओ यार, हाथों हाथ यही वीडियो दिखा देते हैं उनको कि मनीषा मैम इज रेडी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन संस्कृति एंड शी इज रेडी फॉर दैट सीक्वल टू। मैम दबंग एक मूवी आई थी सलमान खान साहब की, एंड वी हैड दैट दबंग टू ऑल्सो। आई रेड समवेयर इन अ मैगजीन और अ मूवी और इंटरव्यू, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट उसमें ये कहा गया था कि दो द मूवी वॉज रेडी, द मूवी गॉट स्टक बिकॉज सलमान खान वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर, ही नीडेड अ सॉन्ग कि मुन्नी बदनाम हुई का दूसरा, क्योंकि सबने बहुत अच्छा काम किया होता है, लेकिन हम में से किसी एक को चुना जाता है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है। बट आई ऑल्सो फील सो मेनी टाइम्स हमारे जो कलीग रहते हैं, जो जिन्होंने उतना ही अच्छा काम किया है, मैं तो उनके लिए भी उठ के ताली बजाती थी। तो यू नो, इट्स अ लव फॉर द क्राफ्ट एंड इट्स द सेम लव दैट वी ऑल शेयर। Thank you, ma'am. Nomination, and trust me, the loud and the hoopla and the whistles and the ladies and gentlemen,
the award for the outstanding female actress on the OTT platform goes to Manisha Koirala for Hero Bunny. अभी तो पार्टी शुरू हुई है मैम, कैन वी हैव वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट इनफ. What a stellar performance, ma'am. What a stellar performance. What do I say? The grace, the dressing. कैसे हैं आप? क्या है? आप संजय बंसाली जी को ब्लेम करिए. वो ही चूज करते हैं ड्रेसेस, ज्वेलरी सब. अरे मैं सोचा मैं बॉम्बे आके एक हाथ तो आपसे ले ही लेता मैडम. नहीं आप बहुत सही फरमा रहे हैं, सही कह रहे हैं. हीरामंडी में सबने, हम सब ने बहुत मेहनत की और जिस किस्म का प्यार मिल रहा है, जिस किस्म का एडुलेशन मिल रहा है, इट्स सो नाइस, इट्स हार्ट वार्मिंग, इट्स वंडरफुल. कहते हैं ना कि मेहनत का फल अच्छा होता है, मीठा होता है. यस, वही हो रहा है. सो काफी इसमें काफी लोगों ने बहुत मेहनत की है और वी ऑल आर रियली. आज एक्चुअली मैं सोनाक्षी की वेडिंग छोड़ के आ रही हूँ क्योंकि ये मैंने सबमिट कर दिया था. आज वो बहुत ही अच्छी कलाकार है, सब ने, रिचा, सोनाक्षी, आदिति, सब कलाकारों ने बहुत ही मेहनत, खाली कलाकारों ने नहीं, सब टेक्निकल टीम वगैरह ने भी. संजय बंसाली जी जो कि बहुत ही, मुझे लगता है ये देश के बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, राइटर डायरेक्टर हैं. ये उनका विजन है, ये उनका मेहनत है और हम सब ने उसको रियलाइज करने की कोशिश की है. तो आप सोनाक्षी को मैम यू वेर इंक्लाइन टू इन्फ्लुएंस एंड आई टेल यू व्हाट मैम, द साउथ इंडियन पीपल नो वंस दे लाइक समबडी दे लिटरली गो, मतलब पागल हो जाते हैं उनके पीछे. यू हैव सीन द तलाक क्रेज, धोनी क्रेज, लोग मंदिर बना देते हैं यहाँ पे, खुशबू है, हंसी. मुझे बहुत ही अच्छी फिल्मों में काम करने का मौका मिला साउथ में और अच्छे अच्छे डायरेक्टर जैसे शंकर गारू, मणि रत्नम सर, बहुत ही अच्छे कलाकार कमल हसन सर, अरविंद स्वामी, सब लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे काम करते. मैं जब भी चेन्नई आती हूँ तो मुझे बहुत सारी यादें आती हैं, बहुत सारे तो मैं अपने पिछले कई सालों में चली जाती हूँ, क्या कहते हैं उसको, नॉस्टैल्जिया. सो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने को. मैम यू हैव वर्क्ड विद द एंटायर, इट्स नेवर अबाउट द एक्टर और को एक्टर, इट्स अबाउट ऑनेस्टली द फिल्म मेकिंग इज डायरेक्टर्स मीडियम. When I work with a very good director, then it becomes smooth. तो क्या ये जो कहते हैं ना director captain of the ship होते हैं. Yes. और अगर वो अच्छे director मिल जाते हैं, अच्छे कप्तान मिल जाते हैं तो वो journey बहुत ही smooth रहती है. कितना भी मेहनत करना पड़े वो अच्छा लगता है. Okay. I think 30 वर्ष की लंबी career की उसमें कुछ फिल्में छूट जाती हैं. It's fine. But ma'am, again, I'm sorry. The Wikipedia again says the Shah Rukh Khan's movie in which Karishma Kapoor was a Dil To Chahta Hai. That movie, not Dil To Chahta Hai, Dil To Pagal Hai. Dil To Pagal Hai. That Karishma Kapoor's role was offered to you, but is that true now? Very true. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Madam, now. सब गॉसिप पढ़ के मैम इस मंच पे आने के लिए सब करना पड़ता है मैम, नहीं तो नहीं मिलता है. यू हैव टू बी अपडेटेड ऑन दैट मैम. नाउ सम सिली क्वेश्चंस मैम, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, रियली वेरी सिली क्वेश्चंस, माइट बी यू लाफ, यू डोंट वांट टू आंसर, आप मेरे को पास बोल देना चलेगा. मैडम हमारे घर जो हमारे घर में होता है तो हम पड़ोस को फोन करके बोलते हैं कि भाई सिलेंडर भिजवा दे. तो आपके यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि शिल्पा शेट्टी सिलेंडर भिजवा दे, मैं कल वापिस भिजवाऊंगा? आपके साथ तो खैर हम कर नहीं सकते हैं. No. लगा कि आप बोले कि नहीं आ जाना करके. No. That was the instant reply which I was expecting. Nevertheless, we have no that sharing system. So when you go to a hotel with the Sardam,
इज देयर एनीथिंग ऑफ द फॉर्मेट कि भाई 6,500 का बिल आया है, टिप के साथ में 6,600 हो गया है, तो हम 6 लोग हैं तो हमको इतना पैसा देना है, ऐसे होता है आपके स्टार कास्ट में भी मैडम? मैंने पास बोलो तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. Do you go to a shop and you bargain? I do. You do? I do, yes. But आपको नहीं लगता कि सामने वाला कहेगा कि मनीषा जी bargain कर रही हैं? You know the bad part of being a celebrity is prices जो 10 रुपए की चीज है वो 20 रुपए तो मैं पहले से दिमाग में सोच के जाती हूँ इसको जो वो बोलेंगे उसका मैं 50% करूंगा. तो ये क्या है मैम, ये क्या है मैम. अच्छा चलिए एक और प्रश्न पूछता हूं मैं आपको. परसिस्टेंट प्रॉब्लम, परसिस्टेंट एंटायर इंडिया, अब्रॉड तो छोड़ दीजिए उनका ही, मेड का प्रॉब्लम. एक बार चली गई या चला गया तो वापस आता नहीं. तो आपके घरों में भी ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं मनीषा जी का घर तो मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, भाई ऐसा घर कहां मिलेगा मुझे. तो आपके यहाँ पे भी मेड्स का ऐसा प्रॉब्लम होता है? Yes, I guess every normal household has. नौकरी करने के लिए तो लाइन लगनी चाहिए लोगों की, सेलिब्रिटीज के यहाँ पे. नो इट्स नॉट लाइक दैट. ओके सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नीला है कि लाल. सर्फ एक्सेल में मैम जिसमें धोगे वैसा ही कलर आएगा वो. So, मेरा बोलने का तात्पर्य है कि जब आपके यहाँ पे जब मेड नहीं आती है तो आप शांति रखिए, क्योंकि जब इनके यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ तो होना स्वाभाविक है वो. सो प्लीज टेक इट ग्रेसफुली एंड नॉर्मली, बस और कुछ भी नहीं है. मैम सम रैपिड फायर क्वेश्चंस, सम वेरी रैपिड फायर क्वेश्चंस, दिस इज समथिंग सिली कुछ. ओके ठीक है चलता है. योर फेवरेट को-स्टार सो फार? I've had plenty of very good co-stars. I think Rajnikant sir, I've had Arvind Swami, Shah Rukh, you know, and in recent time, all my female, Aditi Rao hai, yes. Sonakshi Sinha, all the female actresses in Heera Mandi, I have enjoyed working with them. Can we see Manisha Koirala in Hollywood? I would like to see. Anything on the platter now? No, not. अभी तक कुछ भी नहीं है. If at all a biography has to be made on Manisha Koirala, which is one female actor, कौन ऐसा हो सकता है? I think when the subject is ready, it can be decided then. लेकिन जो भी अच्छे कलाकार हैं, जो आजकल बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, कोई भी कर अच्छा काम कर सकता है. And if you don't feel bad, that political acumen is coming out now. वो तो होना चाहिए सही बात है. इस समथिंग इस आपको कभी प्रोडक्शन में आना है? नॉट नाउ. टफेस्ट को-स्टार टू वर्क विद? टफेस्ट को-स्टार, आई डोंट थिंक देयर इज अ टफेस्ट पर्सन टू वर्क विद, बट द पर्सन हैव बीन समटाइम्स इजी समटाइम टफ समटाइम इजी. वो कुछ फेजेस से जाते हैं तो तकलीफ कभी होती है कभी, बट दे फिर संभल जाते हैं. एनी वे यू आर जॉइनिंग नेपाल पॉलिटिक्स? नो वे यू आर गोइंग टू जॉइन इंडियन पॉलिटिक्स? यस पॉलिटिक्स इज नॉट मेंट फॉर मी. मैं कलाकार हूँ और एक्टिंग मुझे अच्छा लगता है. मैम ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ डू यू रेट टुडेस प्रोग्राम? ओ इट्स सो ब्यूटीफुल. इट्स 10 out of 10. आप लोगों ने जो परिश्रम किया, जो मेहनत किया, जो प्यार दिया, जो एक अपनी कला दिखाई, अपनी मेहनत, इतना ये मैंने कहा ना आपको कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था. ये जो मैं तो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है. तो मैंने कहा ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? क्योंकि इतने अच्छे अच्छे अच्छा गाना है, ये इतना अच्छा गाते हैं, तो फिर बाद में पता चला ये 3 साल से गा रहे हैं. तो ऑफ कोर्स ये 3 साल की उम्र से गा रहे हैं. सो ऑफ कोर्स, तो इवन इफ इट्स नॉट प्रोफेशनल बट ऑन पार विद एनी प्रोफेशनल. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज संस्कृति. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज.
Sanskriti and all the performers tonight. Madam, जैसे मैंने कहा कि this is the last question, it's nothing less than a Filmfare award for me. My question is over. You need to understand what I want to say now. How do you rate? आप सब कलाकार के बारे में तो बोलते हैं मैडम, पर प्रॉब्लम क्या है कि जो मंच पर आता है उनको भूल जाते हैं, क्योंकि हम जब मंच पे रहते हैं स्टार्टर भी पहले वहां जाता है, जब तक हम वहां जाते हैं वहां स्टार्टर खत्म हो जाता है, तो हमको सीधा मेन कोर्स में आना पड़ता है. सो यू हैव ऑलरेडी प्रेज्ड ऑल द स्टार्स, ऑल द सिंगर्स, बट देयर वर फ्यू इवन केम लाइक मी ऑन द स्टेज. इफ यू कुड से समथिंग, यू नो. नहीं नहीं, बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सबको हंसा रहे हैं, हमको हंसा रहे हैं. So, thank you. Thank you for this. It's the rarest of rare.